गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू ऑल एन इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, कल आप लोग को पता है होली है मैक्सिमम स्टेट्स में। सो गाइस, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट कैट्स या फिर कोई भी स्ट्रीट एनिमल्स हो जाए, काउस हो जाए, उन लोग को आप लोग का जो रंग है, जो कलर्स है, प्लीज़ मत दीजिए, क्योंकि गाइस वो लोग को जो है क्लीन करना पड़ता है अपने टंग से, और ये जो कलर है इसमें केमिकल रहता है जिसके कारण उन लोग का डेथ हो जाता है। सो गाइस, आप लोग अगर रास्ता में किसी को भी देख लिया ऐसा काम करते हुए, उन लोग को बोलिए, अगर ना सुने तो सिंपली जाके स्टेप लीजिए, कुछ एक्शन लीजिए, अगर एनजीओ है तो उनको बोलिए, क्योंकि गाइस ये बहुत ही हार्मफुल होता है इनके शरीर के लिए। तो प्लीज़ गाइस ये ना कीजिए, सबको अवेयर कीजिए, इस कलर जो है सिर्फ हम लोग के लिए बनाए, ना कि एनिमल्स के लिए। सो प्लीज़ इतना ही रिक्वेस्ट है कि उन लोग को कलर ना दीजिए। सो है गाइस, बहुत कोई बोल रहा था अपना रेड टेल कैटफिश का अपडेट दो। गाइस आज एक ये सिर्फ अपडेट वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि गाइस मेरा जो रेड टेल कैटफिश है एज वेल एज ऑस्कर्स लोग हैंड फीडिंग लेना शुरू कर दिया, वो मैं आज का वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या मतलब स्टेप्स फॉलो किया ताकि हैंड फीडिंग करे, कितना टाइम लगा, सब कुछ बताऊंगा डिटेल्स में इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो थोड़े से भी अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर भी नहीं होता सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए गाइस आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले जो है मैं फिल्टर्स को ऑफ कर लेता हूँ, ऑफ। इधर है मेरा गप्पी का टैंक और कुछ जिसे पुटी माछ कहते हैं, और एक चिंगड़ी भी है उसका नहीं। इन लोग को पहले फीडिंग देते थे, इन लोग को तो दूंगा ऑप्टिमम ही, देखिए दे दिया, और इधर भी कुछ दे देता, इधर ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि ये लोग श्रिम्प भी खाता है थोड़ा बहुत, तो इधर और थोड़ा दे देता बस। अभी जो है मेन टॉपिक को बढ़ते हैं, पहले इसे हटा देता हूँ। ये देखिए गाइस आरटीसी का मेरा साइज, देखिए मैं सामने से दिखाता हूँ, देखिए साइज और कलर देखिए। तो मैं दिखाऊंगा अभी हैंड फीडिंग, देखिए मैं क्या क्या मछली लाया हूँ। ये है श्रिम्प है इसमें, और कुछ इसे क्या कहते नहीं पता है भाई, मार्केट से मिल गया, वैसे खाता है इसे, बहुत ही पसंद करता है, पर इसका सिर नहीं है। तो चलिए पहले देता हूँ, इसको फोकस मार लेता हूँ। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस आप लोगों ने कैसे मेरा हाथ से ले लिया। अब मैं ऑस्कर का दिखाऊंगा, ऑस्कर को थोड़ा श्रिम्प ले लेता हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा, धीरे थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, नहीं तो पानी में फोन गिर गया तो भाई खत्म। ये देखिए देखिए ऑस्कर खा के चला गया मेरा, ये ऑस्कर अभी भूखा है, तो इसको ये मछली दे देता हूँ, ये बड़ा वाला, क्योंकि ये साइज में भी बड़ा है और बहुत देर से तरस रहा है। देखिए ले लिया सब, देखिए बेसिकली हैंड फीडिंग कर रहे हैं। फिर से मैं आरटीसी का एक और बार दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आ जाए, यही मछली दूंगा क्योंकि इसका पेट भर जाएगा। देखिए देख लिया गाइस, अब बताता हूँ ये हैंड फीडिंग कैसे स्टार्ट किया। देखिए बेसिकली इसे ला रहे हुए मेरे को लगभग 8 महीना हो गया है। 8 महीना में पहले जब छोटा था तब हैंड फीडिंग लेता था, उसके बाद बंद कर दिया था। और मैं जब ये टैंक में 4x2x2 टैंक में शिफ्ट किया, उसका लगभग 2 हफ्ता बाद फिर से हैंड फीडिंग लेना स्टार्ट कर दिया। सो बेसिकली द थिंग यू नीड इज टाइम आपको लगेगा, टाइम थोड़ा लगेगा, उसके बाद हैंड फीडिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा इसका। और ये जो थोड़ा बड़ा होने दीजिए, उसका डर जब चला जाएगा तब हैंड फीडिंग लेना शुरू कर देगा। इसका कलर दे सकते हैं कितना ब्लैकिश हो गया, मतलब ये सब फूड से मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं देता हूँ। और गाइस, और ये मेरा ऑस्कर्स भी थोड़ा बड़ा होकर लेना शुरू कर दिया है। और गाइस और एक चीज, बहुत कोई बोलते हैं मेरा आरटीसी को क्या डीवर कराना जरूरी है कि नहीं, तो गाइस उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ जरूरी तो नहीं पर इम्पोर्टेंट है टू अ लेवल, क्योंकि गाइस डीवर्मिंग से जो उसका पेट है वो क्लियर हो जाता है, वो जो है मतलब अगर कोई वर्म्स है तो पेट के अंदर वो क्लियर हो जाता है। तो देखिए वर्म्स बहुत तरफ से इफेक्ट करता है मेरा, मैं डॉग का एग्जांपल देता हूँ। हम लोग का मेरा जो पहले एकदम फर्स्ट डॉग था, एक स्ट्रीट डॉग पाला था, मतलब स्ट्रीट डॉग में फर्स्ट डॉग, उसके पहले ब्रिट्स था, पोमेरेनियन था। तो स्ट्रीट डॉग जब से पालना शुरू किया तब मैं लगभग बहुत ही छोटा था, बहुत छोटा, तो उस टाइम मेरे को उतना अच्छा से पता नहीं था। तो क्या हुआ ना, वो स्ट्रीट डॉग बेसिकली मर गया, तो मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ ऐसा, तो डॉक्टर आके बोला इसका डीवॉर्मिंग ना कराने का कारण हुआ। सेम फॉर ह्यूमंस, सेम फॉर बर्ड्स, और सेम फॉर फिशेस ऑल्सो, फिशेस को भी डीवॉर्मिंग कराना दरकार पड़ता है। देखिए मेरा आप लोग को पता है आरटीसी का हालत पूरा बुरा ख़राब हो गया था, आप लोग को पता होगा, तो डीवॉर्मिंग करा के, डीवॉर्मिंग मैं बाद में कराया, उस दिन ही नहीं कराया, बाद में करा के एकदम हेल्दी है।
सो गाइस इसीलिए डीवॉर्मिंग अगर देखें नेसेसरी पड़े तो करा लीजिए, हो सके तो महीने में एक बार या दो महीने में एक बार करा लीजिए। आपको क्या लगेगा, वार्म आउट मेडिसिन, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, उससे अच्छा से आपका आरटीसी बोले, ऑस्कर बोले, किसी का भी डीवॉर्मिंग हो जाएगा। अब जो चीज़ है वो है क्वांटिटी, मे बी पैकेट के पीछे लिखा रहेगा, अगर नहीं तो मेरे को आप लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक में डीएम कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा आप लोग का टैंक साइज फिश। मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करना, मैं ज़रूर बताऊंगा, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके फॉलो भी कर देना गाइस। तो गाइस यही बेसिकली मैं आज आप लोग को दिखाना चाहता था कैसे हैंड फीडिंग करता है। बहुत टाइम लगा, देखिए पेशेंस बहुत ही आप लोग को दरकार है। आप लोग बर्ड पाल रहे हैं, आप लोग डॉग्स पाल रहे हैं, आप लोग फिश पाल रहे हैं। देखिए डॉग्स लोग बहुत कोई बोलता है कि भाई ट्रेनिंग नहीं ले रहा है, क्या दरकार है आप लोग को पेशेंस, 8 मंथ्स वेट कीजिए डॉग्स लोग के लिए, फिशेस के लिए भी सेम। देखिए हैंड फीडिंग मेरे को बहुत टाइम लगा, आप लोग मेरा आरटीसी का अनबॉक्सिंग देखेंगे तो लगभग 8 to 9 मंथ्स हो गया, आप लोग मेरा चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस इसलिए बहुत ही टाइम लगता है। मैं क्या बोला, मेरा जो बर्जी बर्ड है जो मेल है, सो गाइस उसका भी मतलब बहुत टाइम लगा, लाने के बाद बहुत टाइम लगा, अभी धीरे धीरे टाइम हो रहा है। सो गाइस बेसिकली मैं अभी ऑक्सीजन भी ऑन कर दिया ताकि ये चले, खाना फीडिंग सब कुछ हो गया। सो गाइस आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करना, आप लोग के रिक्वेस्ट के लिए मैं वीडियो लाया, तो लाइक के बिना कहीं मत जाना। और ऐसा वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो क्या करना होगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि मैं वीडियो जब अपलोड करूँ उसी टाइम आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस ये वीडियो का शुरू में जो अनाउंसमेंट किया तो प्लीज़ गाइस उसे फॉलो कीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस आप लोग अगर किसी को रोकेंगे तो जो एनिमल्स लोग हैं उन लोग का डेथ नहीं होगा। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।